उज्जैन थाना इंगूरिया के ग्राम सुवासा में पोते ने दादी और काका पर धारदार हथियार से हमला किया। दादी की मौके पर ही मौत हो गई। काका गंभीर रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पोता मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के पास थाना इंगूरिया क्षेत्र के ग्राम सुवासा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब आरोपी मनमोहन शर्मा ने अपने ही दादी सुशीला शर्मा और काका संतोष शर्मा पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। मनमोहन के वार से दादी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं काका को उज्जैन के लिए जिला चिकित्सालय में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। दरअसल परिजनों का आरोप है कि मनमोहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। परिवार वालों ने बताया कि सुबह मनमोहन को खाना देने के काका गए थे, उसी दौरान मनमोहन ने काका पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसको बचाने के लिए दादी बीच में आई तो मनमोहन ने दादी पर भी हमला कर दिया, जिससे दादी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं काका संतोष शर्मा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। नरोत्तम शर्मा 40 वर्ष उम्र, घायल अवस्था में इंगोरिया से यहाँ लाया गया। उसके परिजनों द्वारा कुल्हाड़ी से हमला होना बताया गया और एक महिला की भी मृत्यु होना बताया गया है। हम जो घायल अवस्था में मरीज हमारे पास आया उसका इलाज कर रहे हैं। मरीज की स्थिति थोड़ी गंभीर है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सरे और सीटी स्कैन करवाने के बाद ही स्थिति के बारे में संपूर्ण तरह से जानकारी दे पाएंगे। देखा जाए तो हुआ मतलब ऐसा है कि क्या बोलते हैं, जो लड़का है वो पागल है, थोड़ा सा दिमाग से अव्यवस्थित है, तो उसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे जो बोलते हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल आयुर्वेदिक, वहाँ पे उसका इलाज भी चल ही रहा था। फिर उस बीच में क्या बोलते हैं डेली वो भोजन करने वहीं पर जाता ही था। जब वो आज भोजन करने गया तो उसके अंकल ने उसको भोजन वगैरह रखा और उसको इतने में कुल्हाड़ी नजर आ गई और दिमाग तो अव्यवस्थित है ही, तो उस वजह से उसने क्या बोलते अंकल पर हमला कर दिया। दादी इसी दौरान बीच में आई होंगी तो दादी पर भी उन्होंने हमला कर दिया, तो दादी की तो एंड टू एंड वहीं पर ही डेथ हो गई है। और जो अंकल है, अंकल का ये बताया जा रहा है कि सीरियस कंडीशन है।